तो लैपटॉप लेने के लिए आप सोच रहे हो ना, तो यार आपने बहुत अच्छे वीडियो पे क्लिक किया है। आज इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो यार मैं आपको गारंटी देके दे रहा हूँ कि आप जो लैपटॉप लोगे ना मार्केट से, आपके लिए वो बेस्ट होगा। बट यार इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, और आपको एक एक पॉइंट, मैं तो कहूँ यार एक पेन ले लो और एक बुक ले लो, लिखते रहो यार एक एक पॉइंट को जो भी मैं बोल रहा हूँ। बोल दिया हूँ बट तुम लोगे नहीं, मुझे मालूम है यार, बट ले लो, नहीं तो आप याद कर लोगे कि मैं बहुत ही छोटे पॉइंट्स में आपको बहुत इजीली समझाऊंगा। बस इतना याद रखो कि इस वीडियो में अगर आप फिजिकली भी प्रेजेंट रहो और मेंटली भी रहो, यानी कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो, आपको पूरे डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। यार सीधी बात है यार, एक पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो यार मार्केट में लैपटॉप में, और आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी की दूसरों के वर्ड पे आ गया, फालतू का लैपटॉप उठा के ना चाहते हो। यार मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आप अगर 20,000 रुपये 24,000 रुपये भी एक लैपटॉप में डाल रहे हो, तो इन चीज़ों को ध्यान देखो। अगर आप 40,000 इन्वेस्ट करो तो भी आप देखो यार, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, सीधा मैं पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। सीधी बात है यार, सबसे पहले आपको किसी भी लैपटॉप में क्या देखना है पूरे डिटेल में बात करूँगा मैं। सबसे पहला जो आता है प्रोसेसर, आपको कलर नहीं देखना है, कंपनी नहीं देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले होता है प्रोसेसर, यानी मेन हार्ट। अब मैं बताता हूँ, प्रोसेसर जो होता है ना कई टाइप के आते हैं, यानी इंटेल बनाता है, एएमडी बनाता है, इंटेल में भी कई सारे सेगमेंट हैं, यानी कि इंटेल कोर है, इंटेल प्लैटिनियम है। तो यार इसके लिए क्या ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर मैं एएमडी को लेते समझाऊंगा, इंटेल को लेते समझाऊंगा। तो एक काम करते हैं यार, मैं एक रिलेटेड वीडियो इसका बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको इसका लिंक का वीडियो दे दूंगा, जहां पे इंटेल का मैं पूरे प्रोसेसर को 1x1 समझाऊंगा और एएमडी के 1x1 प्रोसेसर समझाऊंगा, तो वहां से आप देख लीजिए। पर आप सबसे पहला जो लिस्ट होता है ना लैपटॉप लेने के लिए, वो है आपका प्रोसेसर, यानी कौन सा प्रोसेसर आप ले रहे हो। यानी एक ऊपर मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, जैसे कि अगर समझ लीजिए अगर आपका बजट 24,000 है, पहली बात तो ये याद रखिए, कभी भी लैपटॉप आपको अगर मिल रहा है तो 24,000 के ऊपर और 35,000 के अंदर अगर आपको लेना है, तो बेसिक सेगमेंट आपको मिल जाता है, जिसके अंदर मिलता है आपको इंटेल के कुछ i3 6th generation 8th generation तक मिल जाते हैं, और कहीं कहीं ऑफर में आपको 10th generation भी देखने के लिए मिल जाता है, और एएमडी का आपको 3 Ryzen मिल जाता है आराम से। तो यार इस सेगमेंट में ठीक है, 24,000 के नीचे के लैपटॉप में आपको कभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, और कभी भी आप ना यार वो सेलरॉन अब इंटेल के इन सब के चक्कर में मत चले जाना, यानी RDP ThinkBook आता है वो सब के चक्कर में मत जाओ। यार देखो सिंपल से याद है, पैसा आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यार अगर आप 20,000 लगा रहे हो तो ये भी बहुत बड़ा पैसा होता है। तो यार इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करके लेना यार, किसी के बहकावे में आगे कुछ भी मत लो, अपना पैसा नुकसान मत करवाओ। सबसे पहला होता है प्रोसेसर, ये बात याद रखिएगा। और मैं ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको ओवरव्यू की बात करा जाए, तो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको बेसिक सेगमेंट चाहिए तो आपको i3 में 6th और 8th generation परफेक्टली काम करेगा, जहाँ पे आप हल्का मुल्का एडिटिंग भी कर सकते हो, बट गेमिंग भी कर सकते हो, बट उस लेवल पे यार गेमिंग नहीं कर सकते हो, बेसिक काम परफेक्टली काम करता है AMD 3 में भी। अब आ जाता है यार मिड रेंज में बात करा जाए, तो आपको एक 35,000 से 50,000 में आपको i3 के 10th generation 11th generation भी देखने के लिए मिलते हैं, बट इसमें यार आपको i5 नहीं मिलने वाला, i5 का मिनिमम रेंज ही आपको जो होता है वो 45 की प्लस ही मिलता है, बट जनरेशन पे बहुत डिपेंड होता है। आप ये बात रखिएगा, आप कभी भी लैपटॉप लेना, i3 लो, i5 लो, i7, i9 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए जनरेशन पे, यानी कि जो लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है वो लेना चाहिए, क्योंकि i3 का जो भी लेटेस्ट है वो 11th है। तो अगर आप i3 का 2 generation या 6 generation लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर 11th generation लोगे तो आपका PC बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपको ये बात याद रखना, प्रोसेसर में जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको इंटेल का लेना है तो, AMD में Ryzen होता है। तो यार मैं जैसे बोला यार ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक दे दूंगा। तो ये तो बात हो गई पहला पॉइंट, यानी कि प्रोसेसर की। अब आ जाते हैं स्टोरेज को। यार स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेगमेंट में। अब देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ, स्टोरेज दो टाइप के होते हैं, एक HDD होता है, एक SSD होता है। अब नॉर्मली जो PC आप देखोगे ना, नॉर्मल जो 30,000 के नीचे मिलता है, हमें उसमें HDD देखने के लिए मिलता है 1 TB तक का। 1 TB का मतलब यार 1000 GB देखने के लिए मिलता है, जबकि आता नहीं है वो 935 GB तक कुछ आता है। बट यार इसमें जो गेमिंग या आप जब भी आप ओपन करोगे ना, तो थोड़ा स्लो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसकी जो डिस्क स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है। इसका स्पीड शायद 100 MBPS के भी नीचे होता है, बट SSD का 1000 MBPS के प्लस होता है। तो ये बात भी याद रखना, अगर आपको किसी भी लैपटॉप को लेना है तो आप मिनिमम क्या करके ना 256 या 500 GB का ना SSD डलवा दो उसमें। उसमें क्या करो ना, अपने प्रोग्राम फाइल्स डालो, यानी प्रोग्राम सी रख दो, यानी लोकल डिस्क सी रख दो, जिसके अंदर हम अपना गेमिंग से रख सकते हैं, हम अपना विंडो रख सकते हैं,
सकते हैं, जब भी ओपन करोगे तो जल्दी बूटेबल हो जाएगा। तो यार SSD रखना बहुत ही सही रहता है, और HDD आप रखना है तो यार फोटोज वीडियोज़ के लिए रख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल स्लोली भी ओपन होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यार SSD का बहुत महंगा होता है, यानी HDD बहुत ही सस्ते में मिल जाता है आपको, बट SSD भी महंगा होता है, बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 250 तक ले लो, या तो 512 तक मिल जाता है आपको आराम से, तो वो ले लो। फिर आ जाता है यार थर्ड पॉइंट। तो पहला पॉइंट था प्रोसेसर, सेकंड पॉइंट हो गया हम स्टोरेज, थर्ड पॉइंट होता है हमारा बिल्ड क्वालिटी। अब यस गाइस, लैपटॉप ऐसा चीज़ है कि हमें उसे 2 से 3 साल रखना होता है, या कई साल और भी हमें बढ़ जाता है, कभी कभी तो 7-8 साल कई लोग यूज़ कर लेते हैं। बट यार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका बिल्ड क्वालिटी। अब बिल्ड क्वालिटी में यार आपको फैब्रिक मिलता है प्लास्टिक जैसे होता है, और एक एलुमिनियम टाइप में आपको मिलता है, यानी कि मेटल वाला फिनिशिंग मिलता है, बट जो कलर होता है एकदम सिल्वर होता है। तो यहाँ पे कई सारे जो ब्रांड है वो क्या करती है ना, प्लास्टिक मटेरियल लेती है बट सिल्वर कलर कर देती है, जिससे हमें लगता है यार वो मेटल फिनिशिंग है, जबकि ऐसा होता नहीं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छा लेना है, यानी अगर मेटल का ले रहे हो तो नो डाउट परफेक्टली काम करेगा, बट एज मैंने आपको बोला जैसे आप क्वालिटी बढ़ाओगे वैसे पैसे बढ़ते जाएंगे। तो फैब्रिक भी चलता है, यानी हार्ड फैब्रिक का मिलता है लैपटॉप, वो आप ले सकते हो। फिर आ जाता है यार हमारा रैम, और रैम की बात करा जाए तो यार मिनिमम मैं कहूँ हर एक लैपटॉप में आपको 4 GB देखने के लिए मिलता है, बट आप 8 लगवा लीजिए और 12 तक जाने की ज़रूरत नहीं है उसे आगे, यानी 16 तक या 32 तक लोग लगाते हैं, बट उसके तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 8 भी आप रख रहे हो ना तो यार ये बहुत ठीक है। इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यानी कि जितनी जल्दी आपका जो स्टोरेज मेमोरी को यानी ऑब्जर्व नहीं करता, उतनी स्पीड से रैम जल्दी से ऑब्जर्व करता है। तो रैम जितना भी रख सकते हो, बट यार मिनिमम आपको हर लैपटॉप में 4 तो मिलते ही, बट 8 लगवा देना अगर 4 मिल रहा है, बट बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे प्रोसेसर आपको अच्छा मिल रहा है, स्टोरेज आपको अच्छा मिल रहा है, और रैम 4 मिल रहा है, तो नो डाउट आप उठाने के लिए उठा सकते हो उसको। फिर आ जाता है यार ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड में इंटीग्रेटेड मिलता है और एक डेडिकेटेड मिलता है। इंटीग्रेटेड का मतलब यार उसके साथ ही प्रीलोड आपको मिलेगा, कुछ इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिलेगा आपको 601 कुछ ऐसे लिखा हुआ आपको देखने के लिए मिलता है, और डेडिकेटेड होता है उसे अलग से लगवाना पड़ जाता है। तो ग्राफिक कार्ड उन लोगों को लगाना है अगर उनको गेमिंग ज़्यादा हमको करना होता है, या तो आप एडिटिंग में भी रहते हो तो उन्हें भी ग्राफिक कार्ड का रिक्वायरमेंट रहता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। आपका जो सबसे मेन चीज़ है ना यार, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज़ से आपके लैपटॉप को खरीदा जा सकता है। उसके बाद आता है कंपनी। यार सबसे पहली बात तो यार कंपनी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर ये चीज़ें आपको कोई भी कंपनी दे रही है तो अच्छे खासे प्रोसेसर आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप उठा सकते हो। पर यार कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब कंपनी इसलिए इंपॉर्टेंट है ना यार, समझ लीजिए बाई चांस आपके पास एक लैपटॉप आपने पहली बार अपने लाइफ में खरीदा है और वो ख़राब हो गया, तो फिर आप किस तरह उसे रिपेयर करवाओगे? तो अगर आपके पास कंपनीज हैं ब्रांड नेम्स हैं तो आप अपने घर के आसपास सर्विस सेंटर में करवा सकते हो। बट अक्सर कई बात है कि आप क्या करते हो, अपने घर के आसपास जो भी इंटरनेट का शॉप है या रिपेयरिंग शॉप है वहाँ पे आप जाके इसे रिपेयर करवा लेते हो। तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो आपको ब्रांडिंग के साथ आपको कंपनी का भी ध्यान देना होता है कि आप कौन से कंपनी का ले रहे हो। तो आप कोई भी उठा सकते हो, डेल का देखा जाए तो सबसे अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं, फिर एसर है, HP है, इन सब के यार आपको बहुत ही इजी सर्विस सेंटर मिलेंगे। पर जैसे कि मैंने बोला यार, ये कंपनीज बस हमें प्रोसेसर यानी कि अंदर के मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं, जबकि इनके बाद जो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं वो इनका सर्विस सेंटर से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और इन सब से हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते ब्रांड के नेम से। आप अगर आपको कोई अविता का लैपटॉप है और आपको अच्छे खासा प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा स्टोरेज देखने के लिए मिल रहा है, ग्राफिक मिल रहा है, आपको रैम अच्छा खासा दे रहा है, तो यार अविता को उठाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने जैसे बोला यार, ब्रांड क्या करता है, बस आपको सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर रहा है और कुछ सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे डेल आपको सिक्योरिटी सपोर्ट अच्छा खासा देता है, सपोर्ट देता है, होम सपोर्ट देता है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम है उसके लिए खरीदना पड़ता है। अगर आप लैपटॉप लोगे तो उसके साथ 1 साल या 2 साल का कुछ प्रीमियमशिप आपको फ्री मिलता है, तो ये तो कंपनी की बात हो गई। अब उसके बाद आप कहाँ से खरीद लो ये भी बहुत मायने रखता है, ऑफलाइन दे रहे हो या ऑनलाइन दे रहे हो। अब यार ऑफलाइन में क्या होता है यार, आपको बैग भी मिल जाता है कहीं कहीं, और ऑनलाइन में आपको बैग नहीं मिलता है, आपको देखना पड़ता है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट ऑफलाइन में आपको बैग मिल जाता है, बट जो अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ऑनलाइन में हमें कुछ डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाते हैं अच्छे खासे कार्डों पे, तो यार वहाँ कहीं पैसे बच जाते हैं बट हमें बैग नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं यार हर जगह दिक्कत होता है, जैसे बोलते हैं ना, कहाँ पे अच्छाई है तो वहाँ थोड़ी बुराई भी होती है। तो यार मैं तो कहूँ अगर आप सबसे अगर आपको लैपटॉप लेना है, कोई हाई रेंज लैपटॉप ले रहे हो, ऑफलाइन जाके ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो यार, बट ट्रस्टेड डीलर से लेना, यानी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी कई सारे फ्रॉड होते रहते हैं अक्सर, और कोई भी फेक वेबसाइट पे जाके पैसे मत डाल दो, ये भी बात याद रखना, क्योंकि कई सारे फेक वेबसाइट है जो बोलते हैं कि मैं आपको i9 43,000 में डालूँगा, तो ऐसा नहीं होगा यार, i9 का मिनिमम रेंज ही 1 लाख के अबाव होता है,
तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और मैंने जैसे बोला प्रोसेसर, आपको हमेशा अगर आप इंटेल के प्रोसेसर कभी भी लेना चाहते हो तो आपको जनरेशन ही देखना है, ये बात याद रखना। तो यार ये थी कुछ बेसिक्स जो मैंने आपको बताई है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है बट यार मैंने बहुत जल्दी कवर अप करने की कोशिश की, कई सारे पॉइंट्स मैंने वीडियो में बोले भी नहीं है। जैसे बिल्ड क्वालिटी में और भी मैं ऐड ऑन कर सकता था, जैसे मैंने बोला वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, बट यार मैं प्रोसेसर के लिए अलग से सेगमेंट बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, और आप देख लीजिएगा वहाँ पे मैंने इंटेल के एक एक प्रोसेसर को समझाऊंगा। अच्छा, कई लोगों को लगता है ना कि इंटेल की बस i3 i5 और i7 i9 ही है, बट ऐसा नहीं होता है। इंटेल के और भी कई सारे प्रोसेसर है, प्लैटिनियम है, सेलेरॉन है, बहुत सारे प्रोसेसर है, पर ये भी मैं बात करूंगा इन लोगों के बारे में। AMD के सारे प्रोसेसर की बात करेंगे और प्रोसेसर की किस तरह हम पढ़ाई कर सकें, मतलब प्रोसेसर देख के हम कैसे पता लगाए कि वो कैसा प्रोसेसर है। और आपको पता है कोई प्रोसेसर के साइड में एक नाम भी लिखा होता है GU U M करके, उसका मतलब क्या होता है वो भी इस वीडियो में मैं समझाऊंगा, तो प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। तो ऐसा कर, तो कोई ना कोई एंगल से यार ये वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आए तो आपको पता क्या करना है, कर दीजिए, मिलते हैं ऐसे नए फ्रेश एपिसोड में। होप ये आपको पसंद आएगा, और सारे जो भी अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो कि मुझे भी सुधरने का मौका मिले, और कोई और भी अगर लैपटॉप लेने जा रहा है तो उसे भी आप सजेशन दे सकते हो यार। तो मिलते हैं ऐसे नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।